हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय द एम T20 वनडे का शेयर। T20 में एक बार फिर से फेल दिया। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। अगर हम शुभमन गिल के T20 और ओडीआई आंकड़े निकाल कर देखेंगे अब तक तो जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है, क्योंकि अगर उनका एवरेज हम देखेंगे अब तक ओडीआई क्रिकेट में तो 65 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 107 का, वही अगर T20 क्रिकेट की बात करेंगे तो 40 का एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की तरफ तो बहुत कुछ आपको नजर नहीं आएगा। काफी खराब प्रदर्शन किया है, 31 का एवरेज है टेस्ट मैचों में, करीब करीब 50 का स्ट्राइक रेट है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं आप किस तरह से खराब फॉर्म रहा है शुभमन गिल का अब तक टेस्ट क्रिकेट में। यहाँ पर उन्होंने 4 हाफ सेंचुरी 2 सेंचुरी जरूर लगाई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा अच्छे आपको इनके आंकड़े नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अगर इनके पारियां देखनी है तो आपको 90 वाली गैबा वाली याद आएगी, और उसके बाद आपको एक ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हो रही होती बॉर्डर गावस्कर वाली इसी महीने की शुरुआत में, वहां पर 1 सेंचुरी याद आएगी, और 1 सेंचुरी आई थिंक ये बांग्लादेश में लगाते हैं वो, बाकी बहुत ज्यादा कोई बड़ी पारियां आपको शुभमन गिल से टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आएंगी। तो वो सारी की सारी चीजें आप शुभमन गिल को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे अपने आप को ढाल पाते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी तक सक्सेसफुल शुभमन नहीं हुए। जरूर ओडीआई और T20 में इनका खौफ छाया है, लेकिन अगर जब ये टेस्ट में आते हैं तो बॉलर ने इनके इनका विकेट गिराया है, लगातार वो गिल्लियां उड़ाई है, पगबाधा आउट कराया है, और इन्हें खराब शॉट खेलने पर मजबूर किया है और आउट कराया है। तो ये बड़ी न्यूज थी फिलहाल। अब देखना पड़ेगा क्या शुभमन गिल यहाँ से निकल कर आ पाते हैं या फिर नहीं, चलिए वो तो समय बताएगा। फिलहाल आप देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल अगली इनिंग में किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, क्या वहां पर भी सस्ते में निपट जाएंगे या फिर नहीं। जल्दी जल्दी बताइए क्या लगता है आपको, जो भी लगता है कॉमेंट करके हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।